हेलो एवरीवन, मैं सुनी स्वामी। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल द एडू पॉकेट पर। और जैसा कि हम देख रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का और हम उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर देखिए, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, अप्रोच लगाना सीखा है इन क्वेश्चन के लिए। 30 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्मल वैल्यू पुट की थी, नॉर्मल वैल्यू पुट करके उसके कैलकुलेशन से सॉल्व किया था, आंसर निकाला था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का टाइप कुछ ऐसा है, हमें प्रूफ करना है। ये है प्रूफ दैट क्वेश्चन का होता है मतलब क्या कि इसके अंदर देखिए, हमें ये जो पार्ट है देखिए, ये इक्वल है। इक्वल में अब जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे तो ये देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड का इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट बोलते हैं इसको। और इक्वल के जो ये राइट हैंड साइड में है, ये है राइट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड पार्ट बोलते हैं। तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, एलएचएस पार्ट जो है उसको सॉल्व करना है और आरएचएस में जो दे रखा है वो हमें लेके आना है, यानी कि यहाँ पर हमें आंसर पहले से पता होगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, हम एलएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे, हम आरएचएस पार्ट को लेके आएंगे। तो हम एलएचएस पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम सॉल्यूशन में लिखते हैं पहले एलएचएस। एलएचएस लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन में से एलएचएस को उठा के रख देंगे। 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री, ये एलएचएस में से पार्ट को उठा के रख दिया। देखिए, हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, वही वैल्यू है, हमें वैल्यू पुट करनी है। जिसको वैल्यू पुट करनी अभी तक नहीं आई, वो टेबल का यूज जरूर करें, लेकिन कोशिश करें कि अब हमें टेबल से वैल्यू अप्रोच लगाने सीखें। जैसे अप्रोच लगाते हैं ना, हम अप्रोच लगाने सीख रहे थे कि sin 60 डिग्री की वैल्यू, साइन लाइन पूरी याद होनी चाहिए, साइन की लाइन जो पहली है वो पूरी हमें पता होनी चाहिए, हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे उससे। cos 30 डिग्री की वैल्यू निकलेगी, उससे टैन निकाल सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं, सैक कॉसैक बाकी सारे निकाल सकते हैं, अगर साइन की टेबल हमें एक सिंगल लाइन को याद होती है तो। ठीक है, हम अप्रोच लगाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अप्रोच लगा के देखते हैं, आप टेबल भी देख सकते हैं। cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो सर। cos 30 डिग्री की वैल्यू और sin 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू भी वही होती है तो sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। वही cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, प्लस sin 60 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। अपॉन लगा दिए, ये मेन अपॉन है, ये तो ऊपर वाला काम चलेगा। 1 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू, अब sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री दोनों आ गए, यहाँ पे बीच में प्लस है। देखिए, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है सर, दिमाग पे जोर डालेंगे सर, cos 60 डिग्री की वैल्यू तो sin 30 डिग्री के बराबर होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू sin 30 डिग्री के बराबर होती है तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जो sin 30 डिग्री की वैल्यू होगी। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। सॉल्व करते हैं आगे। अब इसके अंदर देखिए, √3/2 प्लस वाला ऊपर वाला पार्ट अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाला पार्ट अलग सॉल्व करेंगे, बीच में ये मेन अपॉन का सिंबल रहेगा। ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करते देखिए, √3/2 प्लस √3/2। अच्छा, जैसे देखिए कि 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होता है, दो चीजें जब भी ऐड होती है, सेम ऐड होती है तो डबल हो जाती है। जैसे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि दो सेम चीजें हुई तो उसका डबल हो गया। 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 होता है, यानी कि 3 प्लस 3, 3 का डबल हो गया 6। ठीक है, तो ऐसे में यहां पे देखिए, √3/2 प्लस √3/2 दोनों सेम चीजें, इसका हो जाएगा डबल, तो 2 इंटू √3/2। ठीक है, ये तो एक डायरेक्ट अप्रोच। हम इसको एलसीएम लेके भी देखें तो एलसीएम लेके मैं साइड में बता देता हूं। देखिए, √3/2 प्लस √3/2, देखिए दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है। मैंने बोला था कि जब भी नीचे ये जो हर है, डिनोमिनेटर है, जब दोनों सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर का जब एडिशन दे रखा हो तो एडिशन हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्शन दे रखा हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, योग दे रखा हो तो योग हो जाएगा, और माइनस किया हो तो माइनस हो जाएगा। अभी हमें एडिशन करना है तो √3 प्लस √3 √3 √3 2 √3/2। देखिए सेम है, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट अप्रोच लगाना भी सीखेंगे। तो इसको हटा देते हैं एक बार। तो
तो ये चीज हमें समझ में आ गई, 2 √3/2, ये मेन अपॉन लग गया। ये नीचे सॉल्व करते देखिए, इस 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पे भी एलसीएम क्या 2 आ रहा है क्या, यहाँ पे भी एलसीएम 2 आ रहा है। देखिए 1 2 2 तीनों के अंदर छोटे से छोटा नंबर कौन सा का है कॉमन। एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब अब इन तीनों में हमें देखेंगे कि इन तीनों के एलसीएम का मतलब क्या होगा, वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो तीनों की टेबल में आता हो। 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 2 की टेबल में, वो छोटे से छोटा कौन सा नंबर जो तीनों की टेबल में आता है, वो है 2। देखिए 1 की टेबल में भी 2 आता है, 2 की टेबल में भी 2 आता है, 2 की टेबल में भी 2 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम अब सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए 1 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, कितनी बार आता है 1 की टेबल में 2, 2 बार आता है। उस 2 की मल्टीप्लाई इससे 1 से करवा दो, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करवाइए, 2 आ गया। 2 × 1 कितना होता है, 2 × 1 2 होता है, प्लस प्लस 2 की टेबल में 2, 2 का पाड़ा बोलो, 2 की टेबल में 2 कितने बार आता है, 1 बार आता है, 1 बार आता है, ठीक है। उस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करवा दो, तो 1 × 1 1, प्लस 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 2, 1 बार टाइम आता है, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करवा दो, 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे करता हूँ, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ऊपर बचता है √3/1, क्योंकि ये 1 टाइम कैंसिल हुआ है, √3/1, ये आ जाता है नीचे अपॉन में। 2 + 1 + 1 = 4/2, यानी कि ये 2 की टेबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से 2 टाइम, यानी कि ये क्या बच जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है √3/1/2/1। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर लेके आते हैं, ऊपर लेके आएंगे 2/1, क्या हो जाता है 1/2, तो √3/1 × 2/1/2, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखिए √3/2, क्या यही आंसर आता है, देखिए आरएचएस में यही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे आरएचएस, हैंस प्रूव, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, एलएचएस को हम लेके चलेंगे, आरएचएस हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, बच्चे ज्यादातर गलती कर देते हैं कि वो यहीं पे √3/2 चलाते रहते हैं पूरे क्वेश्चंस के अंदर, वो गलत होता है। जब भी हम एलएचएस लिख रहे हैं तो हम आरएचएस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे √3/2 कभी नहीं चलेगा। √3/2 आरएचएस का पार्ट है, वो हमेशा आंसर के अंदर आता है, जैसे ये आया है √3/2, यहाँ पे हमें इक्वल करके ये चीज नहीं लिखनी है, हमने एलएचएस लिखा है, ठीक है। एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस हम लेके आते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 13 कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट वाला क्वेश्चन है, फिर से हमें एलएचएस दे रखा है, आरएचएस हमें प्रूव करना है। ये भी क्या क्वेश्चन है, ये भी प्रूव वाला क्वेश्चन है। अब इस प्रूव वाले क्वेश्चन में हमें एलएचएस को सॉल्व करना है पहले, तो सॉल्यूशन करते हैं, एलएचएस लिखते हैं हम, एलएचएस, एलएचएस लिख दिया, इक्वल करके एक बार एलएचएस को वापस रिपीट कर दो, इस एलएचएस को रिपीट कर दिया, तो हमने क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 4, अब कॉट स्क्वायर 45 है, एक बार स्क्वायर को भूल जाओ, पहले वैल्यू निकालो किसकी, कॉट 45 डिग्री की, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता लग जाती है, उसके बाद हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू देखिए, एक तो आप टेबल देख सकते हो, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू देखो उसमें, एक हम अप्रोच लगाना सीखते हैं जो हमें टेबल के बिना हेल्प करेगी। कॉट 45 डिग्री देखिए, दिमाग पर जोर डालिए, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्या टेन 45 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होती है। जब टेन 45 डिग्री वैल्यू के इक्वल होती है, अब टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखिए साइन 45/cos 45 डिग्री होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, वही कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, दोनों सेम चीजें हैं, कैंसिल हो जाती है। जब दोनों सेम चीजें कैंसिल होती है, कितना आंसर आता है, 1 आता है। अब 1 आता है, इसका मतलब टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 आ गई, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 का स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, देखिए अप्रोच लगाओ, sec स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, देखिए sec स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू, sec cos का क्या होता है, रेसिप्रोकल उल्टा होता है, तो sec 60 डिग्री के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos 60 डिग्री की। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो sin 30 डिग्री की होती है। अब sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होगी। अब 1/2 है, तो sec क्या होता है, sec cos का उल्टा होता है, sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1,
तो 2 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए अभी हमने साइन की तक की अप्रोच की थी, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आई थी? आधे क्वेश्चंस में वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगी, हमें दोबारा टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकाली थी अभी? 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 हम लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 आएगा, माइनस 2 अपॉन 1, ये 1 का डिवाइड लग रहा है तो 2 ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों का अलग अलग स्क्वायर हमने कर दिया। देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है, माइनस का 1 अपॉन 4 बच जाता है, तो ये हमारा आर एच एस आ जाता है, ये लो आर एच एस। तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ। ठीक है, ये आर एच एस पढ़ा, आंसर आ गया हमारा। ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। आप टेबल देख सकते हो, लेकिन टेबल जितना कोशिश हो कम देखो, अप्रोच लगानी सीखो। अप्रोच लगाने से आपकी माइंड में क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फिट हो जाएगी, और प्रैक्टिस से क्या होता है, माइंड खुलता है। जब माइंड कैलकुलेशन से खुलता है, तब हमें क्वेश्चन करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा है, डरावना लग रहा है, लेकिन है नहीं। इसके अंदर देखिए ये जो यहाँ तक का पार्ट है, 4 sin 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस 3 cos 60 डिग्री, 10 45 डिग्री, यहाँ तक तो हमारा पार्ट है, ये जो LHS है, ठीक है, इतना पार्ट जो है हमारा वो LHS है, ये LHS पार्ट है, और ये पार्ट जो है हमारा RHS है। LHS और RHS पार्ट है हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम वही काम करते हैं जो LHS के लिए पहले सॉल्व करते हैं और आर एच एस हम लेके आते हैं, ये हम काम करते थे अभी। इस क्वेश्चन में क्या है, आर एच एस कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, सर इससे ये कैसे लेके आए? देखिए लेके तो आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यू दे रखी है, सबसे बढ़िया बात है। इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब हमें ऐसी कंडीशन दे रखी हो कि एल एच एस में भी ट्रिग्नोमेट्री है, आर एच एस में भी ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो हम एल एच एस को भी अलग सॉल्व करेंगे, आर एच एस को भी अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल एच एस को पहले सॉल्व करेंगे, उसका कुछ वैल्यू आएगी, आर एच एस को सॉल्व करेंगे, उसकी भी वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू सेम होगी, तब हम कह देंगे कि एल एच एस बराबर आर एच एस है। तो हम करते हैं एल एच एस सॉल्व, सॉल्यूशन करते हैं, एल एच एस को लिखते हैं एक बार, एल एच एस वापस रिपीट कर देते हैं। 4 sin 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री 10 45 डिग्री। ठीक है, ये एल एच एस हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले 4 sin 30 डिग्री की वैल्यू, देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू अभी हमने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे वैसे दिमाग में आती रहेगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू सीधा 1/2, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर बोल दो एक बार, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई √3/2² प्लस 3 cos 60 डिग्री की वैल्यू। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2, इसका मतलब ये भी होगी। अच्छा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री 1 होता है, सॉल्व करते हैं। देखिए 2 की टेबल से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाता है, 2 बच जाता है, केवल 2 into 1 2, मल्टीप्लाई इधर चल रही है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए √3 का स्क्वायर √3 मल्टीप्लाई √3 होता है, स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, जैसे √3 का स्क्वायर, ये पहले भी बताया मैंने, किसी नंबर का स्क्वायर यानी कि उसकी उतनी टाइम मल्टीप्लाई करवा दो, √3 2 टाइम मल्टीप्लाई करवानी है, या तो ये देख लो √3 into √3 3 होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस इधर कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम सीधी कर देंगे, 3 ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई 3 आएगा, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई 2 आएगा, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, तो पहले बोर्ड मास का रूल ध्यान रखें, पहले एडिशन नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है फिर एडिशन होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, तो आप उसको देखना, उसमें और समझ में आएगा। अभी पहले ये सॉल्व हो गई, 2 की टेबल से 2 टाइम, तो √3/2 प्लस, सॉरी रूट नहीं है, 3/2 ही है, 3/2 प्लस 3/2, दोनों के नीचे एलसीएम कौन है, सेम है, देखिए 2 2, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो ऊपर वाले नंबर का सीधा एडिशन, जब एडिशन दे रखा है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो सब्ट्रैक्शन, तो 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6/2, यानी कि 3 आंसर आया है।
LHS का आंसर आया है 3, अभी तक तो आधा काम हुआ है। अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। देखिए गलती मत कर देना, RHS को बच्चे क्या करते हैं, इसके सामने सॉल्व करते जाते हैं ऐसे करके, ये सॉल्व कर दिया, इसके सामने ये सॉल्व कर दिया, इसके सामने फिर से सॉल्व कर दिया, लास्ट में जाके 3 इक्वल टू 3। अरे ये तो पता ही है कि 3 इक्वल टू 3 होता है, हमें ये RHS को अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, RHS को हमेशा अलग सॉल्व करेंगे, इसके इक्वल में कभी भी नहीं चलाएंगे हम। तो RHS, अब RHS को सॉल्व करते हैं तो ये लो RHS लिखते हैं अब हम। ठीक है, इसका इसका अभी तक वैल्यू है हमारे पास 3, उसकी देख लेते हैं। RHS लिख दिया 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। तो 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। अब ये देखिए sec स्क्वायर, हमें तो sec ये जो है वैल्यू उससे मतलब है, बाकी तो मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू sec स्क्वायर 45 है तो स्क्वायर एक बार है, तो पहले sec 45 की वैल्यू निकालो। sec 45 की वैल्यू क्या होती है, टेबल में आप देखिए, sec 45 की वैल्यू होती है जो cos 45 की होती है उसकी उल्टी, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू हुई क्या, तो sec 45 cos 45 पे पहुंच जाओ, cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 उस सारे रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, 2√2/1। 1/√2 है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यही होगा इसका उल्टा। ठीक है, √2/1, या इसको सीधा लिख दो √2। ठीक है, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √2, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री, cosec स्क्वायर 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, देखिए cosec स्क्वायर 90 डिग्री है, sin 90 पे पहुंच जाओ, उसका उल्टा कर दो, वही cosec 90 है, cosec 90 यानी कि sin 90, sin 90 होता है 1, sin 90 1 यानी कि 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, यानी 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, देखिए 2 प्लस 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 यानी कि 3। क्या RHS भी 3 आया है, LHS भी 3 आया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अगली वीडियो में। ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।